नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। लेकर प्रभु राम का नाम, मोदी योगी का वो काम जो हर हिंदू को गर्व से भर देगा, आज आपको देखना चाहिए। टेंट से भव्य मंदिर पहुंचे रामलला की पहली दिवाली की हैरान कर देने वाली तस्वीरें लेकर आया हूं। वो गजब की तस्वीरें जो कह रहे हैं कि मोदी योगी के लिए राम वोट नहीं इमोशन है। इसके अलावा कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी वाले आरोप की चुनाव आयोग ने कैसे कायदे से हवा निकाली है, आज इस पर आपको पूरी जानकारी दूंगा। चुनाव आयोग के वो फैक्ट्स जिन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है, आज आपको जरूर देखना चाहिए। दिवाली पर पीएम मोदी ने इंग्लैंड का खजाना क्यों खाली कर दिया। पीएम मोदी का दिवाली वाला डबल धमाका, चीन तो गजब लाइन पर आ गया है, उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा। और साथ ही हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाने वालों को बाबा बागेश्वर का धमाकेदार संदेश क्या है, दिवाली के पटाखों पर सवाल और बकरीद पर चुप्पी, बाबा बागेश्वर की वो बात जिसे सुनकर करंट लगेगा कईयों को, आज वो भी चैप्टर खोलूंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। यूपी और उत्तराखंड में 1 नवंबर को भी दिवाली की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। पहले 31 अक्टूबर को दिवाली की आधिकारिक छुट्टी थी, लेकिन कुछ लोग 1 नवंबर को भी दिवाली मना रहे हैं। ऐसे में दोनों दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा हुई है। यूपी में 1 नवंबर की छुट्टी के बदले 9 नवंबर शनिवार को सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की माहिम सीट पर उनका समर्थन कर सकती है। बीजेपी इस पर शिंदे शिवसेना से बातचीत करेगी, क्योंकि शिंदे शिवसेना ने भी यहां से अपना कैंडिडेट उतारा है। शिंदे शिवसेना का कहना है कि अगर वो माहिम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो शिवसेना के वोटर उद्धव की शिवसेना में चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि वो कोई रास्ता निकालेगी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के सभी 7 सांसद हाईकोर्ट पहुंच गए। मुद्दा दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का है। कल ही पीएम मोदी ने देश भर में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक हेल्थ कवर देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा भी था कि वो दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगते हैं कि वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारें इस योजना को लागू नहीं कर रही। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, लेकर प्रभु राम का नाम, मोदी योगी का वो काम जो हर हिंदू को गर्व से भरेगा। टेंट से भव्य मंदिर पहुंचे रामलला की पहली दिवाली की हैरान कर देने वाली तस्वीरें लेकर आया हूं। वो गजब की तस्वीरें जो कह रहे हैं मोदी योगी के लिए राम सिर्फ वोट नहीं है, इमोशन है। सबसे पहले इसका चैप्टर। इस बार अयोध्या में रामलला की पहली दिवाली, जब वो टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में पहुंच गए। और यह दिवाली उन लोगों के लिए आंखें खोलने जैसी हैं, या उन लोगों को जरूर आंखें खोलकर देख लेनी चाहिए जो लोग कहते रहते हैं कि राम का नाम तो सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल करती है बीजेपी और मोदी, जो कहते रहते हैं कि राम का नाम सिर्फ वोट के लिए लिया जाता है। लेकिन आज अयोध्या की गजब की तस्वीरें आई हैं जो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के लिए भगवान राम वोट नहीं इमोशन है। मोदी योगी के लिए राम मंदिर और अयोध्या चुनावी मुद्दा नहीं है, यह दिल का मुद्दा है, ये सनातन का मुद्दा है, ये इमोशंस का मुद्दा है। अयोध्या में ऐसी दिवाली मनाई जा रही है जो दिवाली पहले कभी नहीं मनाई, और ये सब तब हो रहा है जब इसी अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई लोकसभा में। ये सब तब हो रहा है जब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी की लोकसभा में सीटें घट गई। लेकिन चाहे अयोध्या में बीजेपी हारी हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो गई हो, उनकी आस्था कम नहीं हुई बॉस। यही बात साबित करती है कि मोदी योगी के लिए भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है कि भाई अयोध्या में वोट नहीं पड़ा, फैजाबाद में हार गए तो हटाओ, अब छोड़ो नहीं मनाएंगे, या मेरी सीटें कैसे घट गई राम मंदिर बनने के बाद भी। भाई कई लोग अपनी पुश्तैनी सीट मानकर चलते हैं और हार जाते हैं, अमेठी वगैरह, तो ऐसा लगता है पैर पटकते हुए चले गए कि जाओ बातें नहीं करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए भगवान राम जो है ना, चूंकि राजनीति का मुद्दा नहीं, इमोशन है, हारे तो हारे, इससे भगवान राम में श्रद्धा कम थोड़ी हो जाएगी, सनातन के प्रति जो विश्वास है वो कम थोड़ी हो जाएगा। मोदी योगी के लिए सनातन की बात चुनाव के लिए नहीं है, इसलिए अयोध्या में चुनाव हारने और यूपी में सीटें कम होने के बाद भी अयोध्या में
उसी तरह का उत्सव मनाया जा रहा है जिस तरह का उत्सव राम मंदिर निर्माण के वक्त मनाया गया था। दिवाली पर जगमग अयोध्या प्रमाण है कि मोदी योगी के लिए सनातन सबसे ऊपर है। इसलिए पीएम मोदी यह बताना नहीं भूलते कि इस बार की दिवाली ऐतिहासिक है। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और ये उनके भव्य मंदिर में मनाई जाने वाली पहली दिवाली है और ऐसा अयोध्या में भी में हो भी रहा है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यह मौका आया, इसलिए योगी सरकार ने भी इसे यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तस्वीरें देखिए ना बॉस, अयोध्या की तस्वीरों को देखकर हर कोई दंग है। लाखों दिए जगमगा रहे हैं, रोशनी दिख रही है, राम मंदिर तो ऐसा भव्य दिख रहा है कि क्या ही बोला जाए। हर तरफ शंख घंटों और नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है, प्रभु राम की जिंदगी से जुड़ी झांकियां निकल रही, भगवान राम के जयकारे गूंज रहे हैं। अयोध्या में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, वहां का माहौल क्या है उसकी सबसे पहले एक झलक देखिए, फिर ऐसी, क्योंकि अयोध्या में इस बार की दिवाली को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 25 लाख दिए जलाए गए जो अपने आप में रिकॉर्ड है, दुनिया में कहीं भी ऐसा कभी नहीं हुआ। खुद अयोध्या में पिछले कई सालों से बड़े पैमाने पर दीपोत्सव सीएम योगी करवाते रहे, लेकिन इस बार तो सीएम योगी ने दीपोत्सव के कार्यक्रम में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब एक साथ 25 लाख दिए जले और सरयू के सभी 55 घाटों पर दिए जले तो कैसे अयोध्या जगमगा गई, आप जरा तस्वीरों में देखिए, क्या तस्वीर है, बहुत शानदार। वहां पर माहौल क्या था वो आपको अयोध्या में हमारी सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट से बताता हूं। तस्वीरें देखिए और वहां का माहौल महसूस कीजिए कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दिवाली पर आज क्या माहौल है। जहाँ तक निगाह जाती है सिर्फ और सिर्फ रोशनी रोशनी नजर आती है, दियों की कतार दिखाई देती है। ये दिए सरयू के 55 घाटों पर 30 लाख के करीब जो दिए हैं वो आज जगमगा रहे हैं। और देखिए, आज जैसे ही दीपोत्सव की शुरुआत हुई, दियों के जलने की शुरुआत हुई, तो ऐसा लगा कि आज जब देवलोक से देवता नीचे देख रहे होंगे तो उन्हें भी जैसे हमें आसमान में टिमटिमाते तारे दिखते हैं, उन्हें इस धरती पर टिमटिमाते ये दिए नजर आ रहे होंगे। और देखिए बहुत ही अद्भुत, वैसे तो देखिए 1.25 लाख दियों से ये दीपोत्सव का सफर शुरू हुआ था जो आज 25 लाख दियों के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ पहुंच चुका है। अयोध्या के इस भव्य दीपोत्सव ने तो नया रिकॉर्ड बनाया ही, पुराने रिकॉर्ड तोड़े ही। साथ ही आज सिर्फ एक तस्वीर नहीं, गजब गजब की तस्वीरें भी अयोध्या से आई। अयोध्या में सरयू आरती भी आज खास होती रही, इस आरती में भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 1100 भक्त एक ही जैसे परिधान पहनकर सरयू आरती कर रहे थे आज, और यह अपने आप में गजब का नजारा था। आप तस्वीरें देखिए, पूरी दुनिया इन तस्वीरों को देखकर रंग है, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बॉस। जरा देखिए वहां का माहौल, अयोध्या में रोशनी ही रोशनी है, 25 लाख दिए जल रहे हैं। एक सी अयोध्या है जहां से चुनाव न जीत पाने पर सीएम योगी को कितनी बातें सुननी पड़ी थी, कितने लोग सीएम योगी का मजाक उड़ा रहे थे, नरेंद्र मोदी को जो है कहा जा रहा था कि सीटें घट गई मोदी की, मोदी कमजोर हो गए। लेकिन बॉस, अयोध्या को चमकाने प्रभु श्री राम की भक्ति में कोई कमी ना मोदी ने छोड़ी ना योगी ने छोड़ी। आज इन सभी लोगों को योगी ने संदेश दे दिया, मोदी ने संदेश दे दिया कि राम भक्ति इलेक्शन नहीं इमोशन है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में, कहा था इसी मंच पर, उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहन और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। और बहन और भाइयों, इससे भी आगे जाकर के भी इस पे कार्य होने हैं, ये तो एक शुरुआत है। शुरुआत अयोध्या एक शुरुआत है सनातन धर्म के लिए,
विरासत और विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए, उस अभियान को वैश्विक मंच तक ले जाने के लिए। अयोध्या में आज ऐतिहासिक दिन को ग्राउंड पर खुद हमारी सहयोगी श्वेता कवर कर रही थी। अयोध्या में किस तरह का उत्साह था यह आपको अयोध्या में इस वक्त हमारी सहयोगी जो मौजूद हैं श्वेता, उनके पास लेकर चलता हूं, वो आपको खुद बेहतर बताएंगी, फिर आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा, आगे की जानकारी दूंगा। लेकिन पहले एक बार श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, आपने पहले भी अयोध्या की दिवाली कवर की है, इस बार आपको क्या अलग दिखा और अभी वहां क्या माहौल है, जरा दर्शकों को दिखाइए ताकि उन्हें भी लगे कि वो अयोध्या पहुंच गए हैं नवभारत के जरिए, पाठशाला के जरिए। बिल्कुल सुशांत जी, कोशिश हमारी यही है कि ग्राउंड जीरो के जरिए लगातार वो तस्वीरें दिखाएं ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि वो खुद अयोध्या में मौजूद है ऐतिहासिक पल में। देखिए मेरे पीछे जगमगाते असंख्य दिए तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्योंकि लगातार आपने भी अपनी तस्वीरों के जरिए लेजर शो, जगमगाते दिए, आतिशबाजी सब कुछ दिखाया, लेकिन मैं फटाफट से दिखाना चाहूंगी राम पथ की तस्वीर, क्योंकि अयोध्या की जमीन पर जब मैं मौजूद हूं, अयोध्या की पावन भूमि पर जब मैं मौजूद हूं, तो जरा देखिए कैसा मेले सा नजारा इस वक्त राम पथ पर है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी भारी तादाद में, ऐसा लगता है जैसे कुंभ का मेला लगा हो। लोग इधर से उधर बस जाते हुए आपको नजर आएंगे। जबरदस्त रोशनी इस वक्त नजर आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहली दिवाली ये पड़ी है वो वाकई उसी तरीके से मनाई जा रही है जैसे श्री राम जब लंका जीत कर त्रेता युग में यहाँ वापस आए थे, उस वक्त जैसी दिवाली मनाई गई होगी। और अब जरा देखिए यहाँ सुशांत जी, रोशनी तो आपको नजर आ ही रही है, लोगों की जरा खचाखच भीड़ देखिए, 9 बज चुके हैं, बावजूद इसके लोगों की भीड़ जबरदस्त तरीके से है, लेकिन कोई भी अव्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था का एक शब्द भी यहाँ नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही तसल्ली से लोग आगे की तरफ देखिए बढ़ते जा रहे हैं। श्वेता, जरा इन लोगों से भी बात कीजिए, इनको अयोध्या में ये अद्भुत नजारा देखकर, लेकिन आज ये दिवाली इनके लिए कितनी खास है, इन लोगों के लिए, इन राम भक्तों के लिए। जी, राम मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली है, कितनी खास इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए है? बहुत अच्छी है। इतना अच्छा ड्रोन शो हो रहा था, सब कुछ देखे बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे विकास किया है, अयोध्या को कुछ ज्यादा ही डेवलप कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। अयोध्या को, अयोध्या की सीट गंवाने के बाद अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया, बावजूद इसके इतनी अच्छी दिवाली, फिर भी बाबा तो साथ दे रहे हैं, देख ही रहे हैं आप, इतना हाईलाइट है ना, यूपी में बंटवारा कर रहे ना बटे। कैसा लगा आपको आज की दिवाली के दीपोत्सव? बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, अयोध्या वन लव। देखिए तो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और भी लोगों से बात करते हैं, वॉलंटियर हैं आप, कैसा लगा आज ये सब कुछ दीपोत्सव ड्रोन शो? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्या कहते हैं कि लगभग कई सालों से यहाँ पे क्या कहते हैं दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और लगातार क्या कहते हैं दियो की संख्या बढ़ती जा रही है, हो सकता है अगली बार और थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं और भी ज्यादा। और देखिए मेरे पीछे देखिए आप लोगों की भीड़ जरा देखिए, बस लोग बढ़े चले जा रहे हैं। जी कैसा लगा आपको इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली, कैसा अद्भुत अपना जो आपका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा, जरा बताएं। हमें अनुभूत वैसी हो रही है जैसे जब राम सच में आए होंगे अयोध्या, तब जैसा लगा होगा। 500 वर्षों के बाद अयोध्या फिर से दिवाली मना रहा है, रामलला आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये रोशनी पूरे विश्व में जा रही है। योगी जी खुद यहाँ पर मौजूद है, आज रात भी वो यहाँ पर रहने वाले हैं। जी, कई वर्षों की तपस्या के बाद। ठीक है श्वेता, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन आप देखिए लोग उत्साहित हैं, खुश हैं, अयोध्या में लोगों को भी आनंद का अनुभव हो रहा है। आज दीपोत्सव के मौके पर सुबह से ही अयोध्या में प्रभु राम के जयकारे गूंज रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन अयोध्या में ही मौजूद रहे और प्रभु राम की भक्ति में डूबे नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन भी किए, उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम किया, उनकी आरती भी उतारी। रामलला की आरती के बाद योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में दिए जलाकर दीपोत्सव का उद्घाटन किया। जरा एक बार तस्वीरें देखिए वहां की। राम मंदिर में पूजा करने और दिए जलाने के बाद योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पहुंचे और सरयू की महाआरती में भी हिस्सा लिया। सीएम योगी पूरी तरह भक्ति भाव में डूबे थे। वहां जो आरती हुई उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूं, और इससे पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की वेशभूषा में तैयार कलाकार हेलीकॉप्टर से अयोध्या में उतरे थे। भाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। भगवान के रूप में तैयार कलाकार विशेष रूप से तैयार राम रथ पर सवार हुए। सीएम योगी ने खुद राम रथ को खींचा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रभु श्री राम, माता सीता सबको लेकर जो है वो रथ पर सवार है और योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रथ को खींच रहे हैं। इसके बाद अयोध्या की गलियों से गुजरते हुए रामरथ राम कथा पार्क पहुंचा, जहां सीएम योगी ने राम, सीता और लक्ष्मण को फूलों की माला पहनाई। सीएम योगी ने राम की आरती भी उतारी और फिर उनका राज तिलक किया। जरा ये तस्वीरें दिखाइए। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की मदद से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पर फूल भी बरसाए गए। अब आप ये देखिए, अब बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि योगी राज में कावड़ियों पर फूल क्यों बरसते हैं। कईयों को हो जाएगी दिक्कत कि प्रभु श्री राम या लक्ष्मण जी या माता सीता के जो भूमिका निभा रहे हैं उनके ऊपर फूल क्यों बरस रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को इन सब चीज़ों से, ऐसी आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दिन ढलने के बाद अयोध्या नगरी रोशनी से जगमगा उठी, तो दिन में भी अयोध्या की गलियां प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंजती रही। साकेत महाविद्यालय से लता चौक तक प्रभु राम के जीवन की झलक दिखाने के लिए खूबसूरत झांकियां निकलती रही। सभी 18 झांकियां रामपथ से होते हुए गुजरी। अयोध्या में निकली खूबसूरत झांकियों पर हमारी एक सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताते हैं। रंगारंग परिधान में नृत्य करती ये कलाकार आपको दिखाई दे रही है पावन नगरी राम नगरी अयोध्या में, जहां आज दीपोत्सव से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, झांकी निकाली जा रही है। ये देखिए कलाकार यहां नृत्य कर रही हैं सर पर मटके रख करके, और इसके अलावा मैं आगे आपको ले जाऊं तो इस शोभा यात्रा में देखिए झांकी निकाली जा रही है, कई झांकी आगे जा चुकी है और यहाँ देखिए शंखनाद हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर आज अयोध्या की सड़कों पर देखा जा रहा है। ये साकेत डिग्री कॉलेज है और यहाँ देखिए, यहाँ श्री राम, माता जानकी और की जो झांकी है वो आपको नजर आ रहा है। बजरंग बली उनके चरणों पर बैठे हुए हैं और ये भव्य शोभा यात्रा अब निकाली जा रही है साकेत डिग्री कॉलेज से, जो आगे बढ़ते हुए अयोध्या की सड़कों से गुजरते हुए लता चौक पर जाकर खत्म होगी। यानी पूरा उत्सव का माहौल था। अयोध्या में भव्य दिवाली देखकर हर कोई खुश है। जनता से लेकर साधु संत सब अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और मोदी योगी को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार सुनिए अयोध्या में साधु संत क्या कह रहे हैं। इस वर्ष की दीपावली महोत्सव विशेष है, क्योंकि भगवान राम लला कई वर्षों, कई सैकड़ों वर्षों के बाद अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हो गए हैं। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए इस साल की दीपावली और ही बड़े धूमधाम से, भरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 500 वर्ष के उस समय तो राघवेंद्र सरकार माने 14 वर्ष त्रेता में आए थे, लेकिन इस बार तो 500 वर्ष के बाद हमारे रामलला सरकार अपने नूतन महल में, दिव्य और भव्य महल में विराजमान हुए हैं। इसलिए इस बार महा महोत्सव और अमृत महोत्सव के रूप में हमारे पूज्य संत सभी मना रहे हैं। चारों तरफ प्रसन्नता और खुशहाली खुशहाली है और इससे बड़ी प्रसन्नता और कुछ नहीं हो सकती। छाई दिवाली खुशहाली और सब मिलके मना रहे हैं, हर छाई दिवाली खुशहाली सब मिलके मना रहे। अयोध्या में भव्य दिवाली का स्वरूप देखकर यहाँ पहुंचे राम भक्त हैरान। भक्तों का कहना है कि अब तक उन्होंने सिर्फ टीवी सीरियल में ही त्रेता युग जैसी दिवाली के दर्शन किए, लेकिन अयोध्या में तो इसके साक्षात दर्शन हो गए। जरा राम भक्तों को भी सुनिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी का भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है माहौल? कैसा? बहुत अच्छा है। अयोध्या नगरी बिल्कुल राम की नगरी सजी हुई है आज। यहाँ पर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि योगी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम। बिल्कुल स्वर्ग जैसा समझे, स्वर्ग में ही आ गए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हर बार बनता है, पर इस बार राम जी अपने महल में बैठे हैं, इसलिए और अच्छा, सबको और एक्स्ट्रा खुशी हो रही है और इसलिए तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। अयोध्या आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे, इस तरह का माहौल रहा होगा, सेम वैसे ही हम लोग इस माहौल को फील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का, कि जो इस समय उन्होंने वैसा ही माहौल बिल्कुल बना करके रख दिया है। यानी साधु संत भी खुश हैं, राम भक्त भी बम बम हो रखे कि गजब माहौल है अयोध्या। अयोध्या में मौजूद रहे सीएम योगी ने बताया कि कैसे पीएम मोदी और उन्होंने
अयोध्या से किए एक एक वादे को पूरा किए, चाहे वो भव्य राम मंदिर के निर्माण का वादा हो या अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का वादा हो। अयोध्या वासियों से किए हर प्रण को पूरा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब अयोध्या वासियों की बारी है। अयोध्या वासियों को ये देखना होगा कि कौन राम के साथ है, कौन उनके खिलाफ है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के इस भव्य मंदिर को बनाए रखने के लिए, उसकी भव्यता और दिव्यता अयोध्या की बनाए रखने के लिए अयोध्या वासियों को फिर से आगे आना होगा। सुनिए एक बार सीएम योगी। मैंने उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था, वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं आज। हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया, अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है, और याद रखना ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए, हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा, अयोध्या को भव्य और दिव्य रूप देना ही होगा। इसके लिए अयोध्या वासियों को एक बार फिर से आगे आना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों हिंदुओं को एकजुट करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में इस संदेश को प्रचारित करने के लिए राम की नगरी से बढ़िया और कौन सी जगह होती। अयोध्या में भी सीएम योगी ने हिंदू एकता का संदेश दिया। सीएम योगी ने अयोध्या से उन लोगों की भी क्लास लगाई जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। सुनिए एक बार। कुछ लोगों के पितरों को राजनीति के नाम पर चाचा और काकाओं की इस जमात को भी मालूम है कि देश और समाज के लिए उनके जो कृत्य हैं वह कहीं भी किसी के लिए न वर्तमान पीढ़ी के लिए न भविष्य की पीढ़ी के लिए ही उचित होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन उनकी दुर्गति होनी है, इसलिए वे लोग भी आज फिर वही कार्य कर रहे हैं, बांटने का काम, आपस में विभाजन करने का काम, ऐसे ही लोगों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं जो कार्य कभी रावण ने किया था, जो कार्य कभी दुर्योधन और दुशासन ने करने का किया था, और उसके परिणाम क्या हुए थे यह हर कोई परिणाम के बारे में जानकारी रखता है। यानी पीएम मोदी या सीएम योगी दोनों ही हिंदुओं को बार बार जगा रहे हैं कि बटना नहीं है, और साथ में हिंदू एकता के साथ साथ जो सनातन की परंपरा है उसको भी मजबूती से आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं और फिर उसमें कैसे मुंह की खाते हैं, अब अगला चैप्टर उसका है। कांग्रेस के ईवीएम में गड़बड़ी वाले आरोप की चुनाव आयोग ने कैसे कायदे से हवा निकाल दी, चुनाव आयोग के वो फैक्ट्स जिन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह बेनकाब किया है, ये चैप्टर आपको जरूर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है, वो एक जगह पर अटकते नहीं है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का हाल देखिए कि उनकी सुई एक ही जगह पर अटकी हुई, एक ही जगह पर वो घिस रहे हैं अपने बयान को। जैसे अभी हरियाणा चुनाव में हार के बाद फिर से कांग्रेस ने ईवीएम का रोना शुरू किया, और न सिर्फ ईवीएम को लेकर आरोप लगाए बल्कि चुनाव आयोग में एक लिखित शिकायत लेकर भी पहुंच गए कि हरियाणा चुनाव में तो गड़बड़ी हुई। लेकिन कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर जो नया माहौल बनाया उसकी चुनाव आयोग ने कायदे से हवा निकाली। चुनाव आयोग ने वो फैक्ट सामने रख दिए जिससे कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। हरियाणा में कांग्रेस अपनी नाकामी और राहुल गांधी के बेअसर प्रचार को ईवीएम पर आरोप लगाकर ढकने का प्रयास कर रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें फैक्ट्स के साथ कांग्रेस की पोल खोल दी। इस रियलिटी चेक के बाद भी कांग्रेस डिनायल मोड में चल रही है, वो बदलने वाले नहीं है, मानेंगे थोड़े ही। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने क्या कहा यह जानने से पहले आप ये देखिए कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की कायदे से क्लास लगाई कैसे।
दरअसल ईवीएम की शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कांग्रेस को जमकर सुनाया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार, गलत और बिना फैक्ट्स वाला बताया। आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने कई आरोप तो हवा में लगा दिए। कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव इस तरह के आधारहीन आरोप लगाने से बचना चाहिए। बिना सबूत के चुनावी प्रक्रिया पर आदतन हमले करने से बचना चाहिए। आयोग ने कहा कि जब नतीजे मन मुताबिक ना आए तो आरोप लगाने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को हिदायत देते हुए कहा कि उसे बेवजह की शिकायतों से भी बचना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना था कि पार्टी पूरे चुनाव नतीजों की विश्वसनीयता के बारे में उसी तरह का संदेह पैदा कर रही है जैसा उसने अतीत में किया था। आयोग के मुताबिक ऐसे गैर जिम्मेदाराना आरोपों से जनता में अशांति फैल सकती है, खासकर मतदान और मतगणना जैसे महत्वपूर्ण चरण में जब राजनीतिक दलों और जनता की बेचैनी चरम पर होती है। आयोग ने 1600 पन्नों की रिपोर्ट में कांग्रेस के और कैसे धागे खोले वो बताऊं, उससे पहले जल्दी से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव को लेकर मोटे तौर पर आरोप लगाए क्या थे। कांग्रेस ने 20 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। 26 सीटों पर कांग्रेस ने ईवीएम की बैटरी को लेकर शिकायत की, कहा था कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर बीजेपी जीती, 70% बैटरी वाली ईवीएम पर कांग्रेस जीती। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। कांग्रेस ने जानबूझकर मतगणना को स्लो करने का भी आरोप लगाया। ईवीएम को हैक करने जैसे आरोप लगाए गए थे इस पूरी शिकायत। कांग्रेस के इन आरोपों पर सबसे ज्यादा चर्चा ईवीएम की बैटरी परसेंटेज को लेकर थी, क्योंकि पहली बार ईवीएम की बैटरी पर सवाल उठ रहे थे। मार्केट में नया माल आया था कि बैटरी परसेंटेज जिस ईवीएम में ज्यादा थी वहां बीजेपी जीती, जहां कम थी वहां कांग्रेस जीत गई। चुनाव आयोग ने ईवीएम की बैटरी को लेकर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि बैटरी की क्षमता का ईवीएम के वोट काउंट से कोई कनेक्शन नहीं है। आयोग ने कहा कि कंट्रोल यूनिट में जो बैटरी का स्टेटस दिखाता है वो फीचर सिर्फ टेक्निकल टीम के लिए होता है, ताकि वो पावर लेवल को मॉनिटर कर सके और ये सुनिश्चित कर सके कि ईवीएम मशीन सही काम कर रही है। आयोग ने कहा कि ऐसा कोई भी आरोप लगाना कि बैटरी लेवल से वोटों की गिनती प्रभावित होगी, ये एक तरह का मजाक है। चुनाव आयोग ने कहा कि बैटरी कंपार्टमेंट एक अलग सिक्योर कंपार्टमेंट होता है और इसे कैंडिडेट या उनके प्रतिनिधियों के आगे ही सील किया जाता है। आयोग के मुताबिक जब बैटरी बदली जाती है तो मशीन वहीं से काम करना शुरू करती है जहां से वह बैटरी खत्म होने पर रुकी थी। चुनाव आयोग ने बताया कि बैटरी के खराब होने या उसे बदले जाने का भी रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर जरूरत होती है तो चुनाव अधिकारी इस पर रिपोर्ट तक सबमिट करता है। चुनाव आयोग ने बताया कि कांग्रेस के नेताओं ने कहीं भी यह बात नहीं बताई कि किस वक्त ईवीएम की बैटरी 99% शो कर रही थी और कैसे इस बैटरी के लेवल से नतीजों पर असर पड़ेगा। यह भी नहीं बताया कांग्रेस ने कि क्या नतीजे घोषित होने से पहले इसकी शिकायत की गई थी क्या। चुनाव आयोग के डिटेल जवाब के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। हरियाणा के नए सीएम को सुनिए, फिर बताऊंगा कांग्रेस के नेता कैसे चुनाव आयोग के जवाब पर अब क्या कह रहे हैं। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है कांग्रेस के झूठ को नकारा है। कांग्रेस ने तो हवा में आरोप लगा दिया और कोई पहली बार नहीं लगाए, लेकिन चुनाव आयोग ने हवा में जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि जिन सीटों पर सवाल उठे थे उन सीटों पर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आरोपों की जांच की गई। आयोग ने कांग्रेस को बताया कि हरियाणा में चुनावी प्रक्रिया का हर चरण सही था और हर चरण को पार्टी के कैंडिडेट या उसके एजेंट की निगरानी में पूरा किया गया। आयोग ने बताया कि चुनावी प्रक्रिया की हर स्टेज में पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे, इसमें वो स्टेज भी शामिल है जब बैटरी लगाई गई, उसके बाद 7-8 दिन तक जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो गई हर चीज सबकी निगरानी में की गई। यानी चुनाव आयोग ने एक तरह से कांग्रेस को समझाया कि जब हर चीज उनके पार्टी के नेताओं के सामने हो रही है, उनके एजेंट के सामने हो रही है, तो गड़बड़ी कहां हुई यह भी तो बताओगे, हवा में क्या हो गया। लेकिन ना कांग्रेस और ना उसके नेता इस बात को समझने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने फिर ईवीएम पर सवाल उठा दिया।
मनीष तिवारी ने कहा कि हर बार की तरह चुनाव आयोग फिर से सब कुछ खारिज कर रहा है, तो क्या करेगा बताइए? जो फैक्ट है वही ना बताएगा भाई। ये समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि पूरे दिन इस्तेमाल होने के बाद कोई बैटरी 99% नहीं हो सकती। मनीष तिवारी ने पूछा कि क्या मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, हेडफोन, टॉर्च को पूरे दिन इस्तेमाल करने के बाद 99% बैटरी रह जाती है क्या? मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है, फिर वो चाहे ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से। मनीष तिवारी ने कहा कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि चुनाव आयोग ईवीएम की इतनी पैरवी करता क्यों है। जब ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेताओं के पास कोई तर्क नहीं बचता तो वो बैलेट पेपर के इस्तेमाल करने की वकालत करने लगते हैं। लेकिन यह बात कांग्रेस भी जानती है कि अब दोबारा बैलेट पेपर पर लौटना प्रैक्टिकल नहीं। इसी साल ईवीएम के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान खुद सुप्रीम कोर्ट बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि देश के जज उस अतीत को नहीं भूले हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो क्या होता था, यानी कोर्ट बूथ कैप्चरिंग का दौर याद दिला रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वोटों की गिनती में ह्यूमन एरर की समस्या रहती है। कोर्ट ने ईवीएम का जिक्र करते हुए कहा कि मशीन तो सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय दखल के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। बैलेट पेपर का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश के एक सिटिंग प्रधानमंत्री की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी और इसकी वजह से कई पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा था। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। मनीष तिवारी ने ईवीएम की बैटरी को लेकर भी सवाल उठाए और ईवीएम की बैटरी को मोबाइल की बैटरी से कंपेयर किया। इस पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने बताया कि ईवीएम में लगी बैटरी मोबाइल में लगी बैटरी से अलग होती है, जैसे कैलकुलेटर की बैटरी जिसे सालों साल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। ईवीएम में सिंगल यूज अल्कलाइन बैटरीज का इस्तेमाल होता है। मोबाइल में रिचार्जेबल बैटरीज का इस्तेमाल होता है जिसे बार बार चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन ईवीएम में ऐसी बैटरी इस्तेमाल नहीं होती। तो यह कह देना कि अरे मेरी बैटरी जो है मोबाइल की कम होती है, इसकी कैसे नहीं कम हुई? चुनाव आयोग कह रहा पहले सिस्टम तो समझ लो बॉस कि कहां क्या लग रहा है, बैटरी कौन सी लग रही है, क्या हिसाब चलता है। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, वो हर बार देश की संस्थाओं पर ऐसे ही सवाल उठाते हैं। ईवीएम से जीते तो ईवीएम ठीक वरना खराब, संसद में माइक पर आवाज ना आए तो माइक बंद करने का आरोप लगा दो, कोर्ट का फैसला समर्थन में आए तो ठीक वरना लोकतंत्र खतरे में, ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार पर एक्शन ले तो उस पर सवाल उठा दो, पेगासस का नाम लेकर जासूसी का आरोप लगाते रहो लेकिन जब जांच की बात आती है तो अपना फोन मत देने को तैयार हो, सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांगो। बीजेपी ने आज यही मुद्दा उठाया और इसे साजिश से जोड़ दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एक खास पैटर्न के साथ ऐसा बार बार करती है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना ये किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है, इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए, इस पर चुनाव आयोग ने जवाब देकर सारे डाउट क्लियर कर दिए। लेकिन आप देखिएगा कि जब राहुल गांधी का अगला विदेश दौरा होगा तो वो विदेश में बैठकर यही आरोप लगा देंगे कि हरियाणा के चुनाव में तो गड़बड़ी हुई थी, जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अमेरिका में आरोप लगाया था। कांग्रेस और उनके नेताओं को यह बात समझनी होगी कि हर बार ईवीएम पर दोष देने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को सच का सामना करना होगा। और सच यह है कि कांग्रेस की हार की वजह ईवीएम नहीं, उनकी अपनी रणनीति, अपने अंदरूनी झगड़े हैं, मोदी विरोध में बेवजह के आरोप लगाना है। आप महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, वहां इंडी गठबंधन में जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, अब हार जाएंगे तो ईवीएम पर दोष लगा देंगे, अपनी गलती तो देखेंगे नहीं। खैर, आपको ये फैक्ट जानने चाहिए, देखने चाहिए, इसलिए हमने ये चैप्टर खोला। कांग्रेस में कुछ नहीं बदलने वाला, ये आप लिख के ले लीजिए। पाठशाला में अब अगली क्लास। दिवाली पर पीएम मोदी ने इंग्लैंड का खजाना क्यों खाली किया? पीएम मोदी का दिवाली वाला डबल धमाका, चीन तो गजब लाइन पर आ गया है बॉस। अब इसका चैप्टर। यह खबर है तो पीएम मोदी और भारत की बढ़ती ताकत के बारे में, लेकिन यह खबर इंडी गठबंधन से भी जुड़ी हुई, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन ने यह हल्ला मचाया कि पीएम मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो।
यह नैरेटिव सेट किया गया कि सरकार भले पीएम मोदी की है लेकिन सिस्टम इंडी गठबंधन का चल रहा है। यहां तक कहा गया कि मोदी सरकार एक महीने में गिर जाएगी, कभी कहा दो महीने में गिर जाएगी, कभी कहा तीन महीने में गिर जाएगी, लेकिन अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी तो इतने जोश में थे जैसे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं खुद पीएम बन गए, और कांग्रेसी भी यह साबित करने में पीछे नहीं रहे कि राहुल गांधी शैडो पीएम है। लोकसभा चुनाव के बाद समय बीता, हालत आज यह हो गई कि पीएम मोदी और भारत की ताकत बढ़ती ही जा रही है। इंडी गठबंधन का हर नैरेटिव औंधे मुंह जमीन पर गिर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, विपक्ष के सारे हमले झेलते हुए देश के लिए काम कर रहे हैं, और अब दिवाली से ठीक पहले पीएम मोदी ने देश को दो ऐसे तोहफे दिए हैं जिससे इस बार की दिवाली धमाकेदार है। दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जिससे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पहली खबर, बॉर्डर से चीन की सेना पीछे हट गई है और पहले राउंड का डिसएंगेजमेंट हो गया है। दूसरी बड़ी खबर, धनतेरस पर 102 टन सोना मोदी सरकार और आरबीआई वापस भारत लेकर आए, और ये दोनों ही खबरें भारत की ग्लोबल पावर का प्रतीक है। भाई चीन जो खुद को सुपर पावर कहता है वो भारत की बात मान रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी फिलहाल रॉकेट बनी हुई, और इस बढ़ती हुई इकोनॉमी को और स्पीड देने के लिए धनतेरस पर 102 टन सोना भारत आ गया। आज इन दोनों खबरों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात बॉर्डर से चीन की सेनाओं के पीछे हटने की। भारत और चीन के बीच काफी समय से सीमा विवाद चल रहा है। गलवान की घटना के बाद तो दोनों देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। चीन जो दुनिया भर में अपनी ताकत की डींगे हांकता रहता है, वो आखिरकार भारत के सामने झुका और भारत के साथ सीमा पर समझौता किया। 21 अक्टूबर को भारत चीन में समझौता हुआ, 30 अक्टूबर को बॉर्डर से चीन की सेना हट गई। यानी न सिर्फ समझौता हुआ बल्कि समझौते के तहत बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी, यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह है भारत की ग्लोबल पावर और पीएम मोदी की बढ़ती हुई ताकत। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद क्या था और इसको लेकर क्या समझौता हुआ वो आगे बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं चीन की सेनाएं बॉर्डर से कैसे पीछे हट रही हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये देपसांग इलाके की तस्वीर है जहां चीन की सेना अब हट चुकी है। आप देखिए 7 अगस्त को बाईं तरफ की तस्वीर 7 अगस्त की है जब चीनी सेना का निर्माण दिख रहा है, और 25 अक्टूबर को यहां पर कोई निर्माण नहीं दिख रहा, यानी चीन ने सारा स्ट्रक्चर वहां से हटा लिया। चीन ने टेंट और मिलिट्री उपकरण भी वहां से हटा लिए और सपाट जमीन वहां दिख रही है। देपसांग की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए, इसमें 14 अगस्त की तस्वीर में चाइनीज आर्मी के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटी छोटी चौकियां दिख रही हैं, लेकिन 25 अक्टूबर की तस्वीर में चीन की सेना के टेंट, शेल्टर होम और दूसरे स्ट्रक्चर गायब हो गए। इसी तरह से बॉर्डर पर डेमचौक इलाके की तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि कैसे चीन की सेना वहां से भी पीछे हट गई। डेमचौक इलाके में भी चीन की सेना ने डेरा जमा लिया था। यहां भी भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन अब चीन की सेना यहां से हट रही है। 9 अक्टूबर की तस्वीर में चाइनीज आर्मी के स्ट्रक्चर दिखते हैं, लेकिन 25 अक्टूबर की तस्वीर में चीन की सेना के ढांचे गिरे हुए दिख रहे हैं। यानी चाइनीज सेना अपने स्ट्रक्चर तोड़कर वापस जा रही है, यानी पीएम मोदी की नीति ने चीन के तंबू उखाड़ दिए, यह उसकी तस्वीर है। इन दोनों ही इलाकों से सेनाओं के हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारत और चीन की तरफ से बयान भी आ गया। चीन ने कहा कि भारत और चीन की सेनाएं व्यवस्थित तरीके से समझौते के प्रस्तावों को लागू कर रहे हैं और संबंधित मुद्दों के समाधान पर पहुंच गए। वहीं भारतीय सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिवाली पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे को मिठाई भी खिलाएंगी। गजब फ्रेंडशिप चल रही है भाई, यानी विवाद का समाधान हो रहा है। भारत के लिए यह बड़ी बात है, क्योंकि अब बॉर्डर पर जो तनाव था वो कम होगा और चीन के साथ बातचीत से संबंध सुधारने पर भी जोर रहेगा। आपको यह भी बताता हूं कि भारत और चीन के बीच किन किन इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर विवाद था और इन इलाकों से कब कब सेनाओं की वापसी हुई। जैसे दौलत बेग ओल्डी, यहां विवाद था, गलवान में तो था ही, पेंगोंग, हॉट स्प्रिंग, इन चार इलाकों से चीन की सेना 2022 में हट गई थी। देपसांग और डेमचोक, यहां से सेना हटने का काम आज ही कंप्लीट हो गया है। जब भारत और चीन के बीच समझौता हुआ तो कई लोगों ने यह भी कहा कि समझौता होना अलग बात है, उस पर अमल अलग बात है। यानी यहां भी पीएम मोदी पर डाउट किया जा रहा था। कांग्रेस ने तो समझौते की जानकारी तक मांग ली। सवाल उठाने वाले लोग उस समय हैरान रह गए जब सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला शुरू हुआ। आप देखिए कैसे यह पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। भाई 25 अक्टूबर से सेनाएं पीछे हटनी शुरू हुई, दोनों सेनाओं ने टेंट और शेड्स हटाने शुरू किए, फिर मिलिट्री गाड़ियां और उपकरण भी हटाए गए,
पहले दिन 40 से 50 प्रतिशत डिसएंगेजमेंट हुआ, 29 अक्टूबर को 90% डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया था और आज 30 अक्टूबर को सेनाओं ने हटने का काम पूरा कर लिया। अब आपको दिखा, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1962 से 1968 के बीच नेहरू और इंदिरा सरकार के दौर में गोल्ड को लेकर ऐसा कानून बनाया गया कि 1991 आते आते भारत की इकोनॉमी डूबने के कगार पर आ गई। भारत के पास विदेशों से सामान मंगाने के लिए पैसे खत्म हो गए थे। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यह समझिए कि 100 टन गोल्ड का भारत आना कितनी बड़ी जीत है और आज की तारीख में यह गोल्ड कितना कीमती है। भाई जो मैं आपको बता रहा हूं कि 100 टन 102 टन सोना आया है, उसकी अगर आप कीमत देखेंगे, कितना गोल्ड आया 102 टन और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना किलो होता है, 1,02,000 किलो, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख किलो से ज्यादा सोना भारत आया है। और इसकी कीमत कितनी है, इस गोल्ड की कीमत जो भारत आया है उसकी कीमत है, चूंकि अभी कुल कीमत जो है वो करीब करीब 84,048 करोड़ रुपए का सोना है, 84,000 करोड़ का सोना आया है। तो ऐसे में अब यह भी समझना चाहिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में जमा करता क्यों है, पहले ही भारत में क्यों नहीं रख रहा था, और नरेंद्र मोदी ने इस सोने को भारत वापस लाने का फैसला लिया क्यों। देखिए, विदेशों में गोल्ड रखने की एक वजह यह है कि गोल्ड की सेफ्टी हो और इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल युद्ध, प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में भी स्टोर किया जाता है कि अपने यहां कुछ दिक्कत हो गई तो चलो वहां तो कुछ पैसा अपना है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति मजबूत होती है, इससे वो विदेशों से इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई दर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही, इसलिए भारत ने इंग्लैंड से सोना वापस मंगवा लिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड से इतना सोना लाना आसान काम भी नहीं था। इस फैसले को लेने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। भाई इतना सोना लेके आ रहे हैं तो सिर्फ फिल्मों में ही कुछ हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। ब्रिटेन से गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की पहले तो बातचीत हुई, भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय और RBI, जबकि ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग्स चली। दोनों देशों में फिर सहमति बनने के बाद गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग हुई कि भाई कैसे लेके आएंगे इसको, कई पहलुओं को देखा गया। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में इस सोने को लाया गया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़े। हवा में थोड़ी आ गया, मतलब हवा में तो आया ही उड़ते हुए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी आ गया। मई 2024 में इसी तरह से गोल्ड भारत आया था और इस बार भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही सीक्रेट मिशन से भारत सोना लेकर आया। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, LAC से पीछे हटी भारत चीन की सेना, न भारत पर डिसएंगेजमेंट की कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। देखिए, बात करते करते कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं। तस्वीरों में LAC से टेंट हटाते हुए दिख रहे हैं जवान, ये तस्वीर देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको पाठशाला में टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखा रहे हैं कि कैसे आज जो डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुआ है डेपसांग में और डेमचौक में, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि भाई वहां पर सैनिक जो हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ रहे हैं। जरा इन तस्वीरों के बारे में बताइए, ये कहां की तस्वीरें हैं एग्जैक्टली और ये आज की तस्वीरें हैं क्या?
देखिए जो इंडिया और चाइना के बीच शांति समझौता हुआ है उसके तहत भारत और चीन की जो फौज है उन्होंने जो टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बनाया था उसको हटाया। दोनों साइड से काफी समय पिछले एक हफ्ते से ये जो प्रोसेस है वो चल रहा था और दोनों तरफ की जो फौज के कमांडर लेवल के ऑफिसर है वो बार बार मिल रहे थे और शांति समझौते के तहत जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। जो ये तस्वीरें हमें मिली है ये ईस्टर्न लद्दाख के टी पॉइंट एरिया की तस्वीरें हैं। डमचुक और डेस्पांग एरिया में जिस तरह से निकाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें खासतौर पर टेंट्स है उनको जो है वहां से रिमूव किया जा रहा है वो आज प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और कल यानी एक और अहम तस्वीर आ गई है एलएसी पर जिस तरह से डिसएंगेजमेंट हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। पाठशाला में अगली क्लास हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाने वालों को बाबा बागेश्वर का धमाकेदार संदेश क्या है? दिवाली के पटाखों पर सवाल और बकरीद पर चुप्पी, बाबा बागेश्वर की वो बात जिसे सुनकर कईयों को करंट लगेगा, अब उसका चर्चा। हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना पिछले कुछ सालों से नया फैशन बन गया है। होली मत खेलो, पानी की बर्बादी होगी, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण होगा, कई सालों से यही पैटर्न दिख रहा है। आज अयोध्या में जिस तरह से दीपोत्सव हुआ उसमें भी कुछ लोग ये कहने वाले जरूर होंगे ये तो पैसे की बर्बादी, लेकिन जब ऐसे लोगों से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछा जाता है, किसी और धर्म के त्योहारों के बारे में पूछा जाता है तो इनका मुंह सिल जाता है। इन्हीं लोगों को जवाब देते हुए बाबा बागेश्वर ने जो बात कही है उसकी चर्चा बहुत हो रही है। पहले एक बार सुनिए बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा कि कुछ लोग इससे बहुत चिढ़ गए हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्यौहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की तिरंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको कल ही हमें एक न्यूज़ देखी थी, उन्होंने कहा है कि जितने दीयों में तेल जलाया जाता है घी जलाया जाता है इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में मार दो। बाबा बागेश्वर अपनी बात एकदम क्लियर तरीके से रखते हैं इसलिए बहुत से लोगों को उनकी बात चुभ जाती है। दरअसल बाबा बागेश्वर को आज ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हर साल अयोध्या में दीपोत्सव के बाद तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नेता दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं। इस पूरे एजेंडे को समझने के लिए पहले आप अखिलेश यादव का एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद किया था। इसमें एक गरीब महिला जले हुए दीपक में से बचा हुआ तेल इकट्ठा कर रही है और एक पुलिस का जवान उसे जाने के लिए कह रहा है। इस तस्वीर पर अखिलेश यादव ने लिखा कि ये बेबस पूछ रही है जोड़े हाथ, गरीबों का कब होता है त्योहार। इस तस्वीर के जवाब में बहुत से लोगों ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि समाजवादी सरकार के दौरान सैफई महोत्सव में जो पैसे की बर्बादी होती थी तब आपको गरीबों की याद नहीं आती थी। कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि अखिलेश यादव सिर्फ सनातनी हिंदू त्योहारों पर ही सवाल उठाते हैं तब उनको गरीब याद आ जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे धर्मों के त्योहारों की बात आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं। अब आपको अखिलेश यादव का एक और पोस्ट दिखाता हूं जिसमें वो बकरीद के मौके पर लोगों को बधाई दे रहे हैं। इसी साल 17 जून को बकरीद के मौके पर अखिलेश यादव ने लिखा था कि ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। इस पोस्ट को देखकर लोगों ने यह सवाल उठाया कि अखिलेश यादव को दीपोत्सव पर गरीबों की याद आती है, बकरीद पर उन्हें कोई गरीब दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आमतौर पर बकरीद के मौके पर बकरे की कीमत हजारों लाखों रुपए तक पहुंच जाती है जिसे खरीदना हर इंसान के बस की बात नहीं होती, लेकिन तब अखिलेश यादव को गरीबों की याद नहीं आती। बहुत से लोगों का कहना है कि तुष्टिकरण के सियासी प्रेशर में अखिलेश यादव इस तरह के सवाल नहीं उठा पाते, लेकिन जैसे ही सनातनी हिंदू त्योहारों की बात आती है तो सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह है कि इस बार दीपोत्सव के बाद कौन कौन से नेता इस तरह की पोस्ट करने वाले हैं। यानी एक तरफ बाबा बागेश्वर ने अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठाने वालों की तगड़ी क्लास लगाई, दूसरी तरफ पटाखों से प्रदूषण का शोर मचाने वालों को भी तगड़ा जवाब दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में प्रदूषण एक भयंकर समस्या बन चुकी है, इसे लेकर सिर्फ राजनीति चल रही है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने पूछा कि ये सारी समस्या हिंदू त्योहारों पर ही क्यों उठाई जाती है, दूसरे धर्मों के त्योहारों पर यह सारी अच्छी अच्छी बातें कहां गायब हो जाती है, दूसरे धर्मों के त्योहारों पर जो प्रदूषण होता है उस समय सभी लोग शांत कैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली आती है सबको प्रदूषण याद आ जाता है। सुनिए बाबा बागेश्वर को इसके बाद प्रदूषण में सिस्टम का कितना बड़ा रोल है और पटाखों का क्या रोल है ये भी आपको बताऊं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान गायब हो जाता है,
हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। यानी बाबा बागेश्वर ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैंने तो सुतली बम खरीद लिया, मैं तो फोड़ूंगा। कई लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि साल भर तो प्रदूषण चलता है, तब भी तो फेफड़े जल रहे हैं, एक दिन दिवाली में पटाखा फोड़ दो तो ये लोग दिखाने आ जाते हैं कि देखिए दिवाली का प्रदूषण हो गया, क्योंकि इनको पता है इसके पीछे छुपने में मदद मिलेगी कि भाई प्रदूषण तो दिवाली से हुआ, बाकी चीजें क्यों नहीं आप ठीक कर पाते, कर दो साल भर ठीक कर दो, साल भर ऐसी चकाचक हवा कर दो कि आदमी खुद ही सोचे कि भाई कैसे एक दिन खराब करें, यहां साल भर खराब है, एक दिन में कहते कि अरे भैया क्या ही कांड हो गया। बाबा बागेश्वर का यह बयान आज बहुत से लोगों को जोर से चुभ गया है। पटाखों पर सवाल उठाने वाले लोग किस तरह दूसरे धर्मों के त्योहारों पर चुप हो जाते हैं, इसके बारे में आगे याद दिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि दिल्ली जैसे शहर के प्रदूषण में पटाखों का रोल होता कितना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का 41% रोल है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में 35% प्रदूषण फैलता है। पराली का धुआं प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से करीब 19% प्रदूषण होता है। अगर इन तीनों वजहों को मिला दिया जाए तो दिल्ली में करीब 95% प्रदूषण तो इन तीन चीजों से हो रहा है, जबकि दूसरे कारणों का रोल करीब 5% है, जिसमें पटाखे, निर्माण कार्य के दौरान उड़ने वाली धूल और खुले में कूड़ा जलाने जैसे काम शामिल है। यानी प्रदूषण में जिस चीज का रोल सबसे कम है उसका शोर सबसे ज्यादा है, लेकिन यही बात जब बाबा बागेश्वर उठाते हैं तो दूसरे धर्मों के लोगों को परेशानी होने लगती है। बागेश्वर बाबा के बयान के बाद आज कई मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए। मुस्लिम धर्मगुरु के बयान सुनिए, इसके बाद पटाखों की। पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरी जानवरों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो, खुशी का। इंसानों पे पत्थर चला दो, ये बोलना भूल गए। खैर, बाबा बागेश्वर ने जो सवाल उठाया है उस पर देश के करोड़ों लोग सहमत हैं। लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर पाबंदी का हंटर हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों चलता है। सुनिए इस बारे में पब्लिक क्या कह रही है। हर समय जो है हिंदू त्योहारों पर भी नए नए नियम कानून लागू होते हैं। हिंदू धर्म ही एक्सपेरिमेंट का धर्म बन चुका है, नए नए राजनीतिक संगठनों का एक्सपेरिमेंट का धर्म बन चुका है हिंदू धर्म। उसको जो बोलना है बोल दो, उस पर जो प्रतिबंध लगाना है लगा दो। आज दीपावली जैसे प्रकाश का जो उत्सव है हम लोगों का, उसे पटाखे बंद कर देना, दीप जलाना बंद कर देना, प्रदूषण के नाम पर जो है सिर्फ एक इनको हिंदू धर्म लगता है। बकरीद में बकरों के जो कुर्बानी पर बैंड नहीं लगाएगा उससे प्रदूषण नहीं फैलती है। जो ईसाई क्रिश्चियनों का 25 दिसंबर को जो उनका मनाया जाता है उस पर कैंडल जलाए जाते हैं, करोड़ों अरबों कैंडल जलते हैं, उस पर भी पटाखे जलते हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं, बाबा वहां आकर के ज्ञान देने नहीं आते हैं। पर साल भर ये प्रजाति सोई रहती है और जैसे ही दीपावली आती है ये नए नए ज्ञान जो है अपना देने रहती है। हर वर्ष जो है दीपावली के शुभ अवसर पर पटाखे को बैन कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। यही पटाखा जब न्यू ईयर में फूटता है तो कहीं एनवायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं। यानी आम पब्लिक को भी यही लग रहा है कि साल भर तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे लगे कि भाई जबरदस्त प्रदूषण पे कंट्रोल हो गया है, और दिवाली में एक दिन सबको बोलना है।